यह पांच चीजें आप करते हैं तो आपका आलस निकल जाएगा। चलो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी लोग आलसी होते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, कल करेंगे बाद में करेंगे ऐसा बोलते हैं। हम तो ऐसा बोलते हैं, जिंदगी में यश चाहिए तो कबीर का दुआ है कि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा फिर करेगा कब। मगर कुछ लोग ऐसे जीते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। जिंदगी में बहुत मतलब जिंदगी बहुत जीना है यहाँ बरसों, इस तरह से जीते हैं। तो ये इनके पास में कंफर्ट जोन है, इनके पास में प्रोक्रास्टिनेशन है, टालमटाल है ना, आराम से जिंदगी जीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं बोलता हूँ ये आप चीज़ें, पांच चीज़ें करेंगे तो आपका आलस निकल जाएगा। नंबर वन, आपके सामने ऐसी कोई डेडलाइन है क्या कि भाई ये मुझे ये समय पे करने का है? यदि वो डेडलाइन आपके सामने है और आपने टाइम रखा है तो आप आलसी होंगे ही नहीं। क्योंकि देखिए, आप जब सवेरे उठे और आपको समझो 10 बजे कहीं बाहर जाने का है और आपके सामने डेडलाइन है कि 9 बजे वहाँ पहुँचने का है, तो आप लेट भी उठेंगे तभी आप फटाफट तैयार हो जाएंगे, कहीं आलस वगैरह नहीं रहेगा, झटक देंगे आलस और वहाँ निकल जाएंगे। तो डेडलाइन आपके पास नहीं क्या? कोई आपका समझो गोल है तो, या कोई अचीव करना है आपको, उसकी डेडलाइन है क्या? कहीं जाना है, समझो यहाँ से नागपुर जाने का है, बॉम्बे जाने का है, वो डेडलाइन आपकी कितने घंटे में जाने का है, कुछ ऐसा प्लान है क्या? मतलब वो देखना पड़ेगा कि डेडलाइन है क्या। नंबर दो, कि भाई आपको जाना कहाँ है, ध्येय अपना, गोल अपने पक्के है क्या? जिनके पास में गोल रहते नहीं है वो आलसी रहते हैं, उनको मालूम ही नहीं कहाँ जाने का है, तो फिर वहीं बैठे रहेंगे, वहीं खड़े रहेंगे, वहीं सो जाएंगे, कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा उद्दिष्ट नहीं है, कोई गोल नहीं, कोई ध्येय नहीं है कि भाई वहाँ मुझे जाना है या वो मुझे हासिल करने का है। फिर तीसरा रहता है कि उनको आलस आने का कारण है या बोर्डम है, वो काफ़ी बोर हो जाते हैं, वो है कि भाई उनको रुचि नहीं है काम में, इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, वो पैशनेट नहीं है काम में, उनको मन लगता नहीं, काम उनके इंटरेस्ट का रहता नहीं है, जबरदस्ती काम करते हैं, सर्वाइवल में काम करते हैं, करना पड़ता है करके काम करते हैं, है ना, इस तरह का काम उनका होता है, उनको कोई मजा नहीं आता काम करने में, फिर थक भी जाएंगे या काम की टालमटाल करेंगे। काफ़ी सारे लोग पैसा मिलता है करके काम करते हैं, सर्वाइवल है, बाकी कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पैसा मिल रहा है, घर चलाना पड़ता है, इसलिए काम करेंगे, फिर वो टालमटाल करते जाएंगे, कल करेंगे ऐसा करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो है, लोगों के पास में प्लानिंग नहीं, प्लानिंग कुछ भी नहीं है, मतलब उनको पूछा कि आज आपको कल क्या करने का है, तो बोले ठीक है देख लेंगे कल क्या, अभी तो कुछ बना ही नहीं। मतलब लोगों को ऐसा जीना है कि भाई हमको 100 साल जीने का है, जीने की इच्छा तो 100 साल है, कल का भी प्लानिंग उनके पास में नहीं कि कल क्या करने वाले या परसों क्या करने वाले, कोई प्लानिंग नहीं है। और फिर जब प्लानिंग ही सामने नहीं है तो फिर आराम से उठेंगे, आराम से सब करेंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है कुछ करना है तो, और फिर आप आलसी बना में टाइम पास करेंगे। तो नेक्स्ट रीज़न ये है कि भाई अपने शब्दों को मान देते नहीं, कि मैंने कुछ शब्द दिया है, मैंने कुछ वचन दिया है कि मैं ये करूँगा और ये समय पे करूँगा, मतलब जो बोला वो करना है, वैसा नहीं जैसे मराठी में बोलते कि बोले तैसा चाले तैची वंदा भी पाउले, यानी जो बोलता है वैसा चलता है, तो उसके पैर हमने छूना चाहिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, जो वचन दिया है वो। मगर ये लोगों का ऐसा रहता है, आलसी लोगों का, कि वो बोलते रहते मगर करेंगे नहीं, वचन देंगे बोलेंगे मगर करेंगे नहीं, आलसीपना है। आज से आप ये चालू करो कि जो बोला वो करना है और जो बोला कि वो समय पे मैं करूँगा उस समय पे वो करना है, तो देखो फिर आपका आलस निकल जाएगा, क्योंकि आपने अपने शब्दों को मान दिया है, आपके शब्द आपके लिए प्रमाण है कि नहीं मैं वो करूँगा ही, आलस निकल जाएगा। तो हम जब देखते हैं, जस मैं उसको समराइज करता हूँ कि भाई डेडलाइन नहीं है, अपने पास में कोई गोल्स नहीं है, ध्येय नहीं है, आप पैशनेट नहीं है, आपके पास में कोई प्लानिंग नहीं है, आप आपके शब्दों को मान देते नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं यदि आपने करना चालू कर दिया, आपका आलस्य पूरा निकल जाएगा और ज़िंदगी में बहुत कुछ आप हासिल करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।